पहले 20 साल पहले 30 साल पहले चले गए। मैं कहती हूँ आज की राजनीति ऐसी हो जिसमें सिर्फ काम की बात हो, मुद्दों की बात हो। तुम्हारी टर्म मिली, तुमने कितना काम किया, दूसरे ने क्या काम नहीं किया, मैं उससे बेहतर क्या कर सकती हूँ? ईवीएम की गड़बड़ी हो सकती है, आप सोचते हैं? देखो ईवीएम का हमेशा जो 20 लाख वो सबको टेंशन है उस बात की, जो 20 लाख इन्होंने ईवीएम कहा है कि वो कहाँ गई है, बहुत बड़ा कंसर्न है जिसको दबाया जा रहा है, उसका डर सबको है। क्योंकि जब उस लेवल की कोई गड़बड़ी होगी तो लोगों की आवाज, तो डेमोक्रेसी तो मरी गई। तो अभी तक वो जहन में वो बात जरूर आती है क्योंकि फॉरेन मीडिया भी उछाल रहा है और लोग बता भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी की विधानसभा में वो प्रूव किया गया कि ईवीएम हैक हो सकती है। सो ये बहुत डर की बात है जो हमेशा रहती है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी की बात हो तो हम एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि लोग देखो, आपने आप ध्यान से सुन, नवजोत कौर सिद्धू को आप सुन रहे थे और ईवीएम को लेकर भी एक बार फिर से सवाल उठाए गए हैं। हालांकि नतीजे अभी सामने नहीं आए, लेकिन उससे पहले ईवीएम का जिक्र क्यों हो रहा है जबकि वोटिंग सही तरीके से चल रही है? चुनाव आयोग खासा विवादों में रहा, उन पर सवाल भी उठे हैं।